गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन सेकंड वीडियो लैंड यूज। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड्स एटसेट्रा। लैंड डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, हाउसेज बनाने के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका कॉमनली टर्म, इसको लैंड यूज बोलते हैं कॉमनली टर्म में, कि यह लैंड का यूज हुआ। अब यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स, लैंड का यूज फिजिकल फैक्टर्स से डिटरमाइंड होता है। एग्जाम्पल, इट इज डिटरमाइंड बाय टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन सारी चीजों से यह डिटरमाइंड होता है कि इसका यूज हम किस पर्पस से करेंगे या कर रहे हैं। ह्यूमन फैक्टर जो है सच एज पॉपुलेशन एंड टोपोग्राफी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। जो ह्यूमन फैक्टर है जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं जो हमारे लैंड यूज पैटर्न को अफेक्टेड करते हैं। इससे हमारा लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइंड होता है कि लैंड यूज किस पर्पस से, किस काम के लिए कर रहे हैं। आप अपने बुक में पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कि किस कंट्री में कितना परसेंट लैंड किस पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 6% क्रॉप्स लैंड है, क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। 56% पास्चर के लिए, पशुओं के चरागाह के लिए यूज होता है। 14% फॉरेस्ट के लिए और अदर यूजेज में, बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्री एटसेट्रा, अदर यूजेज में 24%। तो इस तरह से हर कंट्री का, वहीं इंडिया का देखें तो जहां पर ऑस्ट्रेलिया में 6% ऑफ लैंड आर यूजिंग फॉर क्रॉप लैंड, इन इंडिया 57% ऑफ लैंड इज यूज फॉर क्रॉप लैंड। इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पास्चर यूज 56%, बट इन इंडिया ओनली 4%। इन ऑस्ट्रेलिया फॉरेस्ट लैंड 14%, इन इंडिया 22%। और अदर यूज के लिए ऑस्ट्रेलिया में 24% है तो इंडिया में 17% है। इस तरह से सभी कंट्री का लैंड का यूज अलग अलग तरह से होता है, कितना परसेंट किस काम के लिए लैंड का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, लैंड को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड नाम से ही पता चलता है, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय ए इंडिविजुअल्स, किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा जो लैंड यूज किया जाता है वह प्राइवेट लैंड हुआ।
और जो लैंड पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे समुदाय के लिए यूज किया जाता है, उसका उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। जैसे किसी कम्युनिटी के लिए कुछ लैंड फोडर के रूप में यूज किया जाता है, पशुओं के चारागाह के रूप में यूज किया जाता है, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए यूज किया जाता है, ये सब कॉमनली यूज हुआ। दिस कम्युनिटी अलायंस आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इस तरह के जो कम्युनिटी लैंड है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं। पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। लोगों का डिमांड रोज रोज बढ़ते जा रहा है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। जो हमारा लैंड की अवेलेबिलिटी है वह लिमिटेड है, वह रोज नहीं बढ़ रहा है। अब सपोज कीजिए कि पहले 5 किलोमीटर के एरिया में, 500 किलोमीटर के एरिया में टोटल बिल्डिंग्स थे, आज 10,000 किलोमीटर की बिल्डिंग का एरिया है। क्यों? इसलिए कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर गया तो बिल्डिंग्स बनाने पड़ गए, हमारी नीड्स बढ़ गई। पहले इंडस्ट्री के लिए अगर 500 किलोमीटर की आवश्यकता थी, आज 1500 किलोमीटर की आवश्यकता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स की वजह से, हमारे नीड्स की वजह से, हमारे नीड्स जो रोज रोज ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग नीड्स की वजह से डिमांड ऑफ लैंड बढ़ते जा रहा है, और डिमांड ऑफ लैंड जब बढ़ रहा है तो उसका हम डिफरेंट पर्पस में यूज कर रहे हैं। हम लैंड को, पीपुल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड ऑफ टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोग अब कॉमन लैंड को कमर्शियल एरिया के रूप में इंक्रोच कर रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में इंक्रोच कर रहे हैं, अर्बन एरिया के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या अपना एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड कर रहे हैं। टुडे द फास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस। आज के दिनों में जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, हर लैंड यूज के पैटर्न में, उसके वजह से हमारे कल्चरल चेंजेज में रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो कल्चरल चेंजेज है, जो पहले का कल्चर था उसमें और आज बहुत बदलाव हो रहा है। हमारी सोसाइटी का कल्चर चेंज कर गया। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइस, सोइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब दीज आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट के मेजर थ्रेट्स हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज की वजह से या एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की वजह से, एग्रीकल्चरल लैंड के एक्सपेंशन की वजह से, ये हमारे लैंड के लिए एक थ्रीट है, भय है, खतरा है, और इससे हमारा एनवायरमेंट चेंज होगा, हमारा इकोसिस्टम बदलेगा। अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड, या अभी ही बता देते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। पिछले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज के यूज को रोकना नहीं होता है, बैलेंसिंग वे में उसका यूज करना होता है। और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड।
इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से और ग्रोइंग डिमांड की वजह से बहुत बड़े स्तर पर फॉरेस्ट कवर एरिया का या एरावल लैंड का, जो कृषि योग्य भूमि था, जो खेती करने लायक जो एग्रीकल्चरल लैंड था, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और इसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। हम लोगों को जो प्रेजेंट डे में, आज के दिनों में जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको चेक करना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए, उस पर अवरोध पैदा करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, एफॉरेस्टेशन मीन्स वन रोपण, नया पौधा लगाना, वन लगाना, रिक्लेमेशन सुधार करना, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का व्यवस्थित ढंग से, नियंत्रित ढंग से यूज करना लैंड के लिए। अभी मनमाने ढंग से जिसको जितना मन करता है, जितना चाहता है, वह पेस्टिसाइड का, केमिकल का, केमिकल फर्टिलाइजर का वह यूज कर रहा है। इसके वजह से हमारे लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका ग्रेडेशन घट रहा है। इस पर चेक लगानी चाहिए। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के ओवर ग्रेजिंग को पर चेक लगानी चाहिए। दीज आर कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड्स। ये सब जो हैं कॉमन मेथड हैं लैंड डिग्रेडेशन को, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए या लैंड कंजर्वेशन के लिए। अब आप लोगों को बताएं, एक वर्ड है लैंडस्लाइड्स। व्हाट डू मीन बाय लैंडस्लाइड्स? देखिए, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक। लैंडस्लाइड्स को आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि वह रॉक का डेवरेज का या अर्थ स्लोप का वह फिसलना है, फिसल करके नीचे गिर जाना है। अब ये अक्सर दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। अक्सर ये अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, इन सारी वजह से ऐसा होता है। और ये द प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हेवी लैंडस्लाइड्स। जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते हैं उसके वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। रिवर के बहाव को रोक देते हैं, जो रिवर का फॉर्मेशन है वह रुक सकता है। और इस तरह से जो हमारा सेटलमेंट है वह डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, प्रवाह की ओर हो जाएगा, उस धारा की तरफ बह जाएगा। तो ये सब लैंड स्लाइड की वजह से जो डिजास्टर आते हैं, ये सब नेचुरल डिजास्टर स्प्रेड करेंगे। और दिस नेचुरल डिजास्टर, दिस टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर ऑफन स्ट्राइक लाइफ, अक्सर हमारे लाइफ को स्ट्राइक करते हैं, उस पर चोट पहुंचाते हैं। एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई द पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। ये हमारे प्रॉपर्टी को भी लॉस पहुंचाते हैं और बहुत सारे मेजर पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न को भी ऑक्यूपाई करते हैं, बहुत सारे बिंदु पर को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे लिए एक थ्रेट का। हमको इससे भयभीत होनी चाहिए, खतरा मोल लेने से बचना चाहिए। अब कुछ
तरीके बताए जा रहे हैं, कुछ टेक्निक बताए जा रहे हैं जिसके वजह से लैंडस्लाइड्स को कम किया जा सके। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। आज जो हमारे साइंस में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके टेक्निक जो डेवलप हुए हैं, उसके वजह से आज हम एम्पावर्ड हो गए हैं, समर्थ हो गए हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से लैंडस्लाइड होता है, एंड हाउ टू मैनेज देम, और उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। कुछ खास उपाय हैं जिससे इस गंभीरता को, मिटिगेशन को कम किया जा सकता है। उसमें पहला है हजार्ड मैपिंग लोकेट एरिया प्रोन लैंडस्लाइड्स, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। जहां पर इस तरह के हजार्ड होने को हैं, डिस्ट्रक्शन होने को हैं, हमारे टेक्निक से अगर पता चल, हमको हम अपने एडवांस टेक्निक से, टेक्नोलॉजी से उसे पता करना चाहिए, उसका लोकेशन जानना चाहिए और उसके द्वारा वहां पर वैसे एरिया को अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग सेटलमेंट्स के लिए। वहां पर बिल्डिंग सेटलमेंट्स नहीं करें, बिल्डिंग्स नहीं बनाएं, वहां पर हैबिटेशन नहीं रखें। डिस्ट्रीब्यूटर दूसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। रिटेंशन वाल, एक दीवार बनाकर के लैंडस्लाइड्स को भी रोका जा सकता है, उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स। वेजिटेशन बढ़ा करके लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स एंड इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स। सरफेस ड्रेनेज बना करके इस उसको लागू करके कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे रेन वाटर या स्प्रिंग फ्लो का ज्यादा बहाव नहीं हो सके, अच्छे ढंग से बहाव हो सके, पूरे फैलाव होकर नहीं हो सके, इस ड्रेनेज के द्वारा ही होगा, तो उससे भी लैंडस्लाइड्स को रोका जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे सॉइल के बारे में।